वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट लेट्स डिस्कस अनादर स्टोरी हियर एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द सन एंड द विंडयर वॉज अ क्वाल बिटवीन द सन एंड द विंड ईच बूस्टेड ऑफ इट्स ओन पावर सब दोनों क्या कर रहे हैं अपनी ही पावर का बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हैं सुन दे सो अ ट्रैवलर गोइंग ऑन द रोड एंड दे डिसाइड टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ ऑन हिम इट वॉज सो एग्रीड दैट हुक द ट्रैवलर टेक ऑफ इज कोट वुड बी एडजस्ट एज द विक्टर एंड द स्ट्रोंगर ऑफ द टू कि दोनों में से जो भी उस ट्रैवलर का कोट उतरवा देगा तो वो दोनों में से क्या हो जाएगा स्ट्रोंगर भी होगा और उसकी विक्ट्री भी हो जाएगी सो द विंडके द विंड ट्राइड हर माइड फर्स्ट एज द्लू द ट्रैवलर क्लैप्स इज कोट टू हिज बॉडी बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो कोल्ड एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सन द सन शोन वेरी ब्राइटली And in this scorching heat of the sun, the traveler began to feel restless. He was feeling very hot. So, he decided to take off his coat, drink some water, and sit under a shady tree for rest. Thus, the wind failed in making the traveler take off his coat, but the sun succeeded. Okay. Now, what is the moral of the story? Pride leads to the fall, overconfidence pulls us. Down okay, so never be overconfident in your life. Thank you.